कल युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची के नेतृत्व में राजस्थान के प्रत्येक जिले से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगातार हो रहे पेपर लीक के मुद्दे पर आरपीएससी के घेराव का जो आह्वान किया था, उनके आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता आरपीएससी के घेराव के लिए आए। और जब कार्यकर्ता घेराव के लिए आगे आए तो पुलिस की बर्बरता के कारण सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पर लाठीचार्ज हुआ और हमारे कार्यकर्ता कई गंभीर रूप से घायल भी हुए और मैं भी पुलिस के लाठीचार्ज का शिकार हुआ और मेरे भी पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि वो इतनी संख्या में आए और इस कंस रूपी कांग्रेस सरकार जो पिछले 4.5 सालों में सोई है, जो इन युवाओं के साथ में धोखा किया है, पहले उन्होंने धोखा किया बेरोजगारी भत्ते के नाम पर और बाद में जो भी परीक्षाओं के पेपर हुए वो लगभग सभी पेपर लीक हुए और इसमें बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम हैं, लेकिन गहलोत सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उनको श्रेय देने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। इसलिए युवा मोर्चा ने कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर हमें जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने युवाओं को जो इनाम दिया, वो लाठी चार्ज के नाम पर इनाम दिया है उनको, मैं इस कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जो लाठी चार्ज युवाओं पे करवाया है, आप ये लाठी चार्ज का जवाब ये युवा बेरोजगार और नौजवान आपको वोट की चोट पर देगा और जब तक आपकी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेगा ये युवा मोर्चा और ये नौजवान चुप नहीं बैठेगा।